विराट कोहली ने दिखाया मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, मेरे से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है। यार क्या बात चेजिंग में, प्लेयरिंग में जो उसने हारिस राउत को छक्का मारा पहला, जो मैंने बात सामने कहा वो शॉट कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। मैं बात कर रहा हूँ और उसकी बात देखें कि उसने हार्दिक पांड्या की बात सुनी है, बिलीव करना लास्ट ओवर तक जाना, मैंने बात की थी नवाज का ओवर एक है, उसने हार्दिक पांड्या ने उसको रिमाइंडर देता क्या, वो इनिंग्स बनाता रन के उसने बाल लगाए हुए। विराट कोहली मैच ले गया आपसे और इतना बड़ा नाम, उस नाम ने विराट कोहली ने इंडिया को ये मैच जितवा दिया। आई मीन कि क्रिकेट बहुत जबरदस्त हुई है, बहुत जबरदस्त मैच हुआ है। तो मैंने कभी अपनी लाइफ में विराट कोहली को इतना इमोशनल इस अंदाज से नहीं देखा, व्हेन ही वाज लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स, और इस बात को कह भी रहे थे बार बार, बट वेल प्लेड, क्या बात है, जो अच्छा खेले तारीफ करी थी क्या। और कुछ देर पहले भंगड़े डाले जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, जोशो खरोश था, उतरे हुए चेहरे आप देख सकते हैं लोगों के, अब बस खामोशियों में खामोशियों से गुफ्तगू की जा रही है और वो जो जोशो खरोश था वो कम हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि शिकस्त के यकीन नहीं था। लोग मिठाई ला चुके थे, केक ला चुके थे कि आज हमने मिठाइयां बांटनी है। ये नहीं है कि दोनों ने बात कर ली और अच्छी बात की है, लेकिन विराट कोहली कभी T20 का बेहतरीन प्लेयर नहीं रहा, एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट हम आपको मुवादना करते हैं स्मिथ के साथ करते हैं, विलियमसन करते हैं, बाबर आजम करते हैं, रूट करते हैं, ये दुनिया। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा यार, जो मैच हुआ ना यार, डेफिनेटली आप पागल हो गए होंगे, उछलने लगे होंगे जिस तरीके से इंडिया ने मैच जीता है। शायद विराट कोहली की करियर की ये सबसे अच्छी पारी होगी, ओवरऑल करियर की बात कर रहा हूँ मैं, तीनों फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से इतने प्रेशर में ये पारी खेली और जो मतलब यार क्या पारी थी यार, वो लास्ट में 3 ओवर में 48 रन चाहिए जो कि होते हैं चेस बट IPL में होते हैं, या तो फिर मैंने MS धोनी को देखा है IPL में करते हुए, 4 ओवर में 60 रन चाहिए थे, वाह उन्होंने मारे रन, तो ऐसा होता है कई बार, MS धोनी ने किया और बहुत सारे प्लेयर करते हैं, बट इंटरनेशनल में इतने बड़े लेवल पे होना मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान के स्टूडियो में मिठाई बंटना शुरू हो गई थी, मिठाई खाना शुरू हो गई और एकदम से कोहली का तूफान और मैच इंडिया जीत गया। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को बैक इन 2010। और जब हम उस मैच की बात करते हैं तो उस टीम में पाकिस्तान के खिलाड़ी जो थे वो हमारे सारे सग मौजूद हैं। शाहिद खान आफ लाला ज़ाहिर दिल टूटा है, एक ऐसा मैच जो हमें जीत जाना चाहिए था, मैं वो सेंट लूशिया माइक हसी वाली इनिंग को भी याद कर रहा था। कुछ मिलती जुलते तासुरात थे लाला, वैसी फीलिंग कुछ आ रही थी इस मैच में भी। वेल अदील, मेरे ख्याल में ऐसे दिल टूटना, हाँ इस तरह आप कह सकते हैं, क्योंकि जीता हुआ मैच था, हम 90-95% मैच जीत चुके थे शुरू से ही अगर देखा जाए, हमने जिस तरह स्टार्ट दिया, स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था लेकिन उसके बावजूद हमने अच्छा टोटल जो है ना वो लगा दिया था। हमसे कुछ एक अगर नवाज का ओवर देख लें या शहीन के एक ओवर में 16-17 रन बने, नवाज के ओवर में 21 रन बने एंड देन फिर नो बॉल, इसमें मैं समझता हूँ कि विराट कोहली मैच ले गया आपसे और इतना बड़ा नाम, उस नाम ने विराट कोहली ने इंडिया को ये मैच जितवा दिया। कि क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त हुई है, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है। आई होप अगर एज अ मेरे ख्याल में मैंने इंजॉय किया इस मैच को, ठीक है मैच हमें जीतना चाहिए था, ये चीज़ें ये गलतियाँ हुई हैं, एक ये कह सकते हैं कि हमने अच्छा स्टार्ट किया, हारने का मतलब ये नहीं कि हमने स्टार्ट अच्छा नहीं किया इवेंट का, हमने अच्छा स्टार्ट किया है, मज़ेदार स्टार्ट किया है और होता है, देखिए आप 98% मैं कहूँगा कि मैच आप जीत गए थे लेकिन एक विराट कोहली और कुछ हमारी गलतियों की वजह से वो मैच जीत गए वो लोग। मैंने कभी अपनी लाइफ में विराट कोहली को इतना इमोशनल इस अंदाज से नहीं देखा, व्हेन ही वाज लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स, और इस बात को कह भी रहे थे बार बार, बट वेल प्लेड, क्या बात है, जो अच्छा खेले तारीफ करी थी क्या। नजीब आप कुछ जी कह रहे थे, वही फास्ट बॉलर की बात हो रही थी, कामरान आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। मैंने कहा हम लोग एड एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर हम लोग कर सकते हैं, कंडीशन हमारे मतलब की है, पिचेस विकेट को फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रहा है तो हमें ज़रूरत भी है, एक जैसे यूनुस भाई ने बताया शाहीन का, वो भी एक रीज़न था, वैसे भी हमारा कॉम्बिनेशन 4 फास्ट बॉलर के साथ बनता है। नवाज रेगुलर बॉलर नहीं है, ये ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग इसने टीम में आके प्रॉपरली शुरू की है, ये स्पेशलिस्ट 5 बॉलरों में नहीं आता, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए, ये मेरी थॉट थी कि 11 ये बनते हैं हाँ। लेकिन विराट कोहली ने दिखाया मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, मेरे से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है यार, क्या बात चेजिंग में,
प्लेयरिंग में जो उसने हारिस राउफ को छक्का मारा पहला, जो मैंने बात की आपने कहा वो शॉट कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। अच्छा, मैं इतनी बात कर रहा हूँ मॉडर्न डे सिवाय इसके इस मॉडर्न एरा। और उसकी बात देखें कि उसने हार्दिक पांड्या की बात सुनी है, बिलीव करना लास्ट ओवर तक जाना, मैंने बात की थी नवाज का ओवर एक है, उसने हार्दिक पांड्या ने उसको रिमाइंडर देता गया वो इनिंग्स बनाता है रन के, उसने अंबार लगाए हुए हैं तो वो अपने पार्टनर की सुन रहा है, जूनियर है, तो यही होती है टीम एफर्ट गेम प्लान लेके जाना। तो मेरे ख्याल से आपने गेम प्लान की वजह से जीते हैं और अपनी समझदारी की वजह से जीते हैं और एंड तक गए हैं, चार आउट भी हो गए हुए थे, पावर प्ले में ऑलमोस्ट चार आउट हो गए थे, तो उसके बाद मैच जीतना मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। हमारी टीम ने अच्छा किया पैचेस में किया, लेकिन ये एक मोमेंटम मिला उसके बाद लूज नहीं किया। गेम प्लान की आप बात कर रहे हो तो गेम प्लान इस तरह का होना जिसमें नवाज का आखिरी ओवर हो, ये एक लूप होल था प्लानिंग में? वो देखें वो जरूर था, मैं कह रहा था पहले ही कह रहा था कि नवाज हमें स्पिनर्स को मार पड़ रही है, नवाज का लास्ट ओवर आएगा, अभी छह ओवर रहते थे, अगर उस टाइम करवा लेते ना 10-12 होता है तो बच जाते। बॉलर वाइड्स दी और छक्के चौके खाना शुरू कर दिए, अच्छा खासा बना हुआ मैच, जीता हुआ मैच पाकिस्तान आज हार गया। अभी आप देख सकते हैं कि जहां पर कुछ देर पहले भंगड़े डाले जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, जोशो खरोश था, उतरे हुए चेहरे आप देख सकते हैं लोगों के, अब बस खामोशियों में खामोशियों से गुफ्तगू की जा रही है और वो जो जोशो खरोश था वो कम हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि शिकस्त के यकीन नहीं था। लोग मिठाई ला चुके थे, केक ला चुके थे कि आज हमने मिठाइयाँ बांटनी है, केक खाने का टाइम है। कुछ हम बात करते हैं, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आज की पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई है इसको किस तरह देखते हैं कि अच्छा अच्छा खेला है पाकिस्तान या क्यों कैप्टेंसी में आपको कमी नजर आई है बाबर आजम जी? बिल्कुल इस तरह ही है, हमारे पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की और फर्स्ट ऑल मैच में ये नज़र आ रहा था कि हमारा पाकिस्तान विन करेगा, लेकिन कुछ बॉलर हम ये तो नहीं कह सकते उन्होंने गलत बॉलिंग की है, लेकिन ये कुछ अल्लाह की तरफ से भी उन्हें रन लग गया तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने टफ टाइम दिया इंडिया को भी और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग भी बहुत अच्छी की है, लेकिन रन रेट थोड़ी थी, इस वजह से जरा इंडिया ने जरा चेज करने में आसानी पैदा की। अच्छा क्या अभी भी आप वो गाना गाएंगे तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है? जी सारी बात हमारा या हारो हमें तुमसे प्यार है, आपने अच्छी बात की है। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी T20 कैंपेन का पहला मैच जीतने में कामयाब और चार विकेटों से भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ MCG में कामयाबी हासिल कर ली। भारतीय टीम इब्तदाई मराहिल में लड़खड़ाई जरूर, पाकिस्तान ने चार विकेटें हासिल जरूर की, 10 ओवर में 45 रन ही बनाने दिए भारतीय टीम को, लेकिन उसके बाद क्या शानदार बैटिंग की विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने, जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई, विराट कोहली आखिरी गेंद तक क्रीज पर मौजूद रहे और अपनी टीम के लिए मैच विनिंग इनिंग खेली। एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 के इस पहले मैच में शिकस्त दे दी है, 4 विकेटों से भारत ने सनसनीखेज मैच में कामयाबी समेटी। मैच पूरा मैच में हमें ट्विस्ट एंड टर्न नजर आए, कभी भारत का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया, कभी पाकिस्तान का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया, कभी पाकिस्तानी बॉलर्स पाकिस्तान को गेंद में वापस लेके आए, कभी भारतीय बल्लेबाज शतक हासिल करते हुए नजर आए। इवेंचुअली विराट कोहली ने शानदार बैटिंग की बदौलत अपनी टीम को यह पहली कामयाबी दिला दी। अगर यही चीज पाकिस्तानी प्लेयर बैटिंग कर रहे होते, यही चीज इंडियन बॉलर्स होते और यही तमाम चीजें पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ हुई होती, तो सर आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस वक्त ढोल पीटा जा रहा होता ICC के खिलाफ भारतीय टीवी चैनल्स पर, वहां बैठ के वो सारे रोने गाने गा रहे होते हैं, वो तमाम चीजें कर रहे होते हैं। वही काम आप भी कर रहे हैं, वही काम मैं भी कर रहा हूं, वो ढोल हम भी पीट रहे हैं और आप भी बैठ के यही पीट रहे हैं। अभी आप उनको ये कह रहे हैं कि वो ढोल पीटेंगे, एग्जैक्टली यू एंड माइसेल्फ इज डूइंग द सेम। वो भाई गेम को गेम रहने दे, पहले जमाने। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। एक चीज़ तो अच्छी लगी कि पाकिस्तानी मीडिया ने विराट कोहली की पारी अप्रिशिएट की। मैंने देखा पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल में मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक और सलमान बट और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने विराट कोहली की इनिंग्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब सराहा है और बहुत ज़्यादा तारीफ की है। तारीफ योग्य बात भी है, ऐसा है क्योंकि यार ऐसी इनिंग ना, लोग कंपेरिजन कर रहे हैं इस इनिंग को सचिन की 1998 की इनिंग, शारजहाँ की इनिंग। हालांकि मैंने तो वो इनिंग देखी नहीं है, आपने भी नहीं देखी, क्योंकि बहुत सारे जो अभी के बच्चे हैं या अभी के जनरेशन के या तो बहुत छोटे रहे होंगे वो, या तो बस पैदा ही हुए होंगे, इस तरीके की सिचुएशन रही होगी। तो वो इनिंग को विराट कोहली की इनिंग के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है। जो विराट कोहली ने 6 मारा उस इनिंग में, आपने देखा होगा हाईलाइट्स वगैरह में कि सचिन ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैसा कुछ 6 मारा था। बट यार ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग थी यार, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा अच्छे मैच अगर होंगे तो 2011 का वर्ल्ड कप
फाइनल, उसके बाद 13 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, 2007 अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, 7 का फाइनल, और यही चैम, इसके अलावा तो भारत बहुत बड़े बड़े मैच हारा है। तो ये मैच उस लेवल का था, मतलब यार क्या मैच था यार, सीरियसली मैं तो थोड़ा सा चिंतित था कि विराट कोहली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या भी स्लो खेल रहे थे, लेकिन यार एक चीज़ माननी पड़ेगी, अगर वहाँ पे वो रिस्क लेते तो शायद विकेट जा सकता था। प्रेशर में स्लो होते हैं बैट्समैन, हार्दिक पांड्या ने भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाए, बट इनिंग को संभाला, पार्टनरशिप की जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो प्रेशर था वो एब्जॉर्ब किया। हालांकि एक चीज़ गलत हो गई, हार्दिक पांड्या मैच फिनिश डिजर्व करते थे, डेफिनेटली करते थे, अच्छा बॉलर फंसा था, उन्होंने उस बॉलर को एशिया कप में मारा भी है, मतलब रन बनाए उसके खिलाफ, तो उनको फिनिश करना था ये मैच, वहाँ पे थोड़ा सा उनसे गलती हो गई, उन्होंने बिल्कुल आँख बंद करके ऐसा लगा चला दिया, सीधा खेलते तो शायद वो मार देते और वही मैच फिनिश कर देते। मुझे लग रहा था कि 16 रन तो हार्दिक पांड्या ही ले जाएंगे मैच, बट वो लास्ट ओवर का ड्रामा और फिर कहीं नो बॉल, कहीं फ्री हिट पे दौड़ रहे हैं, सब आपने देखा। और फिर डीके ने मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश किया, डीके पता नहीं इतना ज़्यादा प्रेशर, इतने सबसे सीनियर प्लेयर हैं डीके टीम में, बट वो एक उनके अंदर एक मछली सी रहती है जो तड़पती रहती है, और वो डीके, मतलब यार डीके को दो बॉल पे दो चाहिए थे, वहीं पे फिनिश करना था, वो आउट हो गए उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी मुझे। फिर वो अश्विन की चालाकी, हट गए वो और एकदम से वाइड बॉल और फिर वो सामने खेल दिया। क्या मैच यार, क्या मैच, क्या कमेंट करना है, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी रिएक्शन आएंगे, पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स के रिएक्शन आएंगे, जिसका भी फनी रहेगा उसका सबसे पहले आएगा, बहुत सारे आप भी थक गए होगे वीडियो देख देख के, हम भी वीडियो